ये हमारे श्याम साधु जी बाबा जी हैं, इनका ना सानी हुआ है और ना होगा, होगा ये भारत के रायबरेली की धरती के ये सब रत्न हैं। यहाँ एक तरफ राणा बेली माधव जी, झलकारी बाई जी, अमर शहीद जाने अनजाने जयसिंह सेंगर जी, हमारे ये राजकुंवर जी, श्याम साधु जी, गोविंद सिंह जी के जी, और हमारे अजय सिंह जी, ये सब संयोग है कि इस मंदिर परिसर में आज समागम हुआ और इत्तेफाकन ये कार्य संपादित हुआ। और लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रहे हमारे कुंवर बीरेन सिंह, राजस्थान का देखिया तब यानी किला वाले, ये लोग किला वाले हैं और रायबरेली के शोभा को बढ़ाया, उनकी आत्मा से पूछिए कि आज अगर इनके ये पुरखे न इतना बड़ा योगदान दिए होते तो आज रायबरेली की हालत क्या होती। लिहाजा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको सम्मान तो दे सकते हैं, उनको सम्मान तो दे सकते हैं, उनको हमको आगे लाना चाहिए। हम तो सरकार में मांग करेंगे कि हमारे कुंवर बीरेन जी को, हमारे सिंगर साहब को, इन लोगों को राजनीति में आगे लाया जाए, है ना, इन लोगों को आगे लाइए, हमारे अजय जी को उनको आगे लाइए, लोग काम कर रहे हैं। आज 6 नवंबर 2023 की बात है, मैं वर्तमान सरकार की तारीफ भी करना चाहता हूँ कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में ये दबी हुई बात को उभार कर हर सेनानी के प्रयासों को सफल बनाने के लिए, उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए जो हमारी वर्तमान सरकार ने कार्य किया है ये सराहनीय है, और अत्यंत सराहनीय है। इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि जिनकी बदौलत वतन आजाद हुआ है उनकी सुप्त आस्थाओं विश्वासों परिजनों को लोग नहीं जानते तो उसको जागृत करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में पंडित मदन मोहन मिश्रा जो विधायक भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, रायबरेली के वन है कि रायबरेली में शहीदों का शहीद स्मारक बनवाया है, जब तक शहीद स्मारक रहेगा तब तक शहीदियों की स्मृति में हर वर्ष वहाँ मेले लगते हैं। 7 जनवरी 1921 को यहाँ पे संग्राम हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। अब श्याम साधु जी से कहूंगा कि दो शब्द वो अपने इस विषय में कहें। इस संदर्भ में कुछ समय समय की बात है, ये वक्त पर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि अपनी एक पहचान छोड़ते हैं, विधायकों में उतना पढ़ा लिखा, उतना काबिल, उतना ठाकड़ी दूसरा नहीं हुआ, इधर देखा उतना दूसरा नहीं हुआ, उनके बराबरी कोई करने वाला नहीं था, इस समय समय की बात करती है। तो इन्हीं संदर्भ में आदमी की जब अच्छाइयाँ कही जाती हैं तो उसके बारे में कुछ आलोचना भी होती है, लेकिन मुझे ये गर्व है आज रायबरेली के अंदर कि जितना सेनानी परिवार है और जहाँ जहाँ कुंवर साहब मैं गया हूँ, आप भी यात्रा में है, कहीं किसी के परिवार के बारे में कोई उंगली नहीं उठाया ना कि कोई अजय जी के बारे में खानदान के बता दे या सेंगर के बारे में, कहीं कोई उंगली नहीं उठी, इस बात का मुझे गर्व है। वो देखिए कितना सुंदर और सुझा हुआ खानदान उनका बेटा कला वाले सिंह साहब का है, कितने शांत तहसीलदार सिंह, हाँ हाँ, और ये बाप रे बाप कानून के विद्यालय की, वो मतलब इतना बड़ा विश्वविद्यालय रायबरेली में हमें मालूम नहीं, तो ये तहसीलदार सिंह साहब को देखिए। इसीलिए मैं चिल्लाता हूँ कि भैया रायबरेली वालों, इस सिंह परिवार को आगे लाओ, इनको आगे बढ़ाओ, इनको हमेशा आगे मजबूती प्रदान करो, इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग बचे, इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। जो हम कहते हैं और दूसरा कहते हैं हम लोग इधर घुमा दो, आज आप सबकी दया से 41 साल नौकरी किए सबके साथ और आज ही सबका कौन सी जिसके पूछे हम लोग बताओ, तो एक वो है समय आज भी वही चल रहा है और हम बड़ा नहीं बदलते बिल्कुल, तो कुल मिला करके जो वहाँ रामायण लिखा उसका सत्य
बिल्कुल। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये वक्त की मांग है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक जो इतना बड़ा एक बीड़ा उठाया है, तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि इसकी थोड़ी विधिवत जांच भी होनी चाहिए। कौन किस खानदान का है, किसने किसका पुरखों का क्या योगदान रहा है, है कि नहीं? ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं है हाँ, एक मिनट जरा हम और बोल लेते हैं। हमारे कुंवर साहब देखिए, हम लोग राम के ही वंशज हैं। वंशज हैं। अब राम के वंशजों में अब चूंकि दूर का राम का जो पीढ़ी तो काफी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। हाँ, तो उसमें अब राम के ही वंशज जगह जगह यहाँ से विदेश तक भी चले गए। अब वहाँ रह रहे हैं, वहाँ कुछ परिस्थितियों के बस अपना कुछ नाम बदला, अपना कुछ काम बदला, नाम और काम दोनों बदला। हाँ, इसलिए कि उनको जीवन भी तो ढालना है, बिताना है, चलना है, लोग रक्षा करना है। तो उन्हीं के विषय में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा राम के जो वंशज हैं, अब जैसे हम देवी सिंह के वंशज हैं, हमारे पूर्वजों ने राजस्थान से आकर के महाराणा प्रताप के साथ जो है यहाँ पर बराबर उनको साथ लड़े और देवी सिंह देवी खेड़ा लखनऊ में शहीद हो गए। बिंदा सिंह यहाँ हमारा चंदनिया के पास घर जलालपुर गई है, वहाँ से हाँ वहीं पे आकर गंगा किनारे हम लोग टिक गए और यहाँ काला काकर में हमारे बिंदा सिंह की शादी हो गई तो बांध हो गई। तो इसलिए एक कमेटी बनाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन मंगल राम पांडे ने उन्होंने थोड़ा सा पहले ही वो कर दिया, इसलिए 31 मई होने के जहाँ 11 मई को ही आंदोलन होना पड़ा। कमेटी हमारे बिंदा सिंह जो पूर्वज थे वो अभी पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, तो कंप्लीट क्या हो पाते, अब यही कुछ राजा मिले और कुछ नहीं मिले, तो ये लड़ाई चलती रही और लड़ाई में ये हुआ कि देवी सिंह उधर वो ब्रिटिश सेना के उस समय अंग्रेजों के पास कौन सी सेना थी, वो राजा महाराजाओं से तो सेना लेते थे, तो देवी सिंह की खुद अपनी सेना थी, वो उन्होंने लगा दिया कि हम अंग्रेजों को यहाँ रोकेंगे आकर लखनऊ में इनको राणा बेनी माधव सिंह को बचाने के लिए। और बिंदा सिंह चूंकि इनकी ससुराल इधर थी, राणा बेनी माधव सिंह किले से 7 किलोमीटर या बिंदागंज जो है कितने किलोमीटर होगा, बिंदागंज राणा बेनी माधव किले से मुश्किल 6-7 किलोमीटर होगा, और 1.5-2-3 किलोमीटर अपनी छावनी छोड़ दिया इनको बचाने। खैर इनको ये लोग बचा पाए, वो तो निकल गए, लेकिन देवी खेड़ा लखनऊ में देवी सिंह जो है शहीद हो गए। तो लेकिन इसके बाद 1857 में अंग्रेज चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का देवी सिंह और उनके पूर्वजों ने नामो निशान खत्म कर दिया, लेकिन उस समय ये हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई, उन्होंने यहाँ गवर्नर नियुक्त कर दिया कि भारत के एक गवर्नर राज करेगा। लेकिन वो एक चालाकी थी, तब भी राजा महाराजाओं को समझाया कि अरे ये चालाकी कर रहा है, ये तो विक्टोरिया राज करने लगेगी तो विक्टोरिया राज हो जाएगा, तो आप लोग लड़िए। लेकिन वो कुछ लोग राजा अपने कुछ छूट मिल गई, इससे वो चले गए, तो आंदोलन में वो भाग नहीं लिया, अकेले वो एक नवंबर 16 नवंबर तक और लड़े, नहीं तो 1 नवंबर को तो गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी छूट दे दिया था कि भाई अपनी अपनी निसंतान जो है उनको संतान घोषित कर दिया जाएगा, उनको उत्तराधिकारी ले लें अपना जमीन जायदाद पर, उनको ज़्यादा वो नहीं किया जाएगा, तो वो छूट दे दिया, इसलिए विक्टोरिया राज 90 साल चल गया। लेकिन 90 साल चलने के बाद भी हमारे पूर्वज यहाँ रुके रहे, कहा कि जब तक हम ईस्ट इंडिया और इंडिया कंपनी को, तो देवी सिंह ने कसम खाई थी कि जब तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम निशान नहीं खत्म कर देंगे उसको हम राजस्थान लौटेंगे नहीं। अंग्रेजों ने कहा था कि देवी सिंह हम तुम्हारा नाम निशान खत्म कर देंगे, तुम्हारे इले किले जितने हैं सब हड़प लेंगे, अंग्रेजों के हड़प नहीं अभी जानते नहीं हो, अभी तुम अभी तो तुम्हारा क्या हालत होती है। तो उसी में आकार से किसी तरह से देवी सिंह तो शहीद हो गए, बिंदा सिंह उनके लड़के थे वो बच गए, उन्हीं से हम लोग यहाँ बचे और बराबर आंदोलन चलता रहा। चंदनिया से रियासत हमारी थी बगल में ही, हम बाहर के राजस्थान के हुए आए लोग थे, वहाँ का ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि इनसे जमींदार 100-150 बीघे जमीन थी, उन्होंने कहा टैक्स इनसे लो, उन्होंने कहा टैक्स हम नहीं देंगे लगान मंदिर, एक बवाल खड़ा हो गया चंदनिया के पास, एक ठाकुर ही बिरादरी के हमारे राजा त्रिभुवन सिंह थे उनसे भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद दो तीन अमोल शर्मा और रामचंद्र और 2-3 प्रतापगढ़ के रामचंद्र थे हैं उनके वंशज जो है ये तहसीलदार वगैरह हैं, डॉक्टर तहसीलदार उन्हीं के प्रतापगढ़ के रामचंद्र के, हाँ तब उनके लड़का DM आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है, उनके SDM लड़का और लड़की MBBS डॉक्टर है, इंदिरा नगर में हमारे पड़ोसी में रहता है, हमारे पड़ोसी में सब काम क्यों हो रहा है, राणा बेनी माधव सिंह की मूर्ति भी नहीं लगी है, मुंशीगंज शहीद स्थल भी लगा हुआ है, कि हम लोग क्यों हम किसी को बुलाने गए थे क्या, ये ऊपर वाले की देन है, क्योंकि हम लोगों ने पूर्वज हम लोग एक काम किया अपने आप उनको
सब कुछ मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और मिलने की क्या जरूरत, एक दिन तो ये राम जी के पास ऐसा रिमोट कंट्रोल है कि चाहे जितना सिकंदर आए, दारा आए, जो भी आए, ऐसा रिमोट कंट्रोल उनके पास 100 साल के बाद चलने ही नहीं देती। कर लो अत्याचार जितना करना हो, रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही पास है। लोगों के समझ में नहीं आता, लूटने में, घसोटने में। आज हमारे साधु जी ने कहा है कि आज जो है फोटो क्या बताया था, फोटो खिंचाने के लिए और फोटो मंत्री, हाँ फोटो मंत्री लोग बनना चाहते हैं और जनता के ख्याल नहीं। अरे कितने दिन फोटो मंत्री बनोगे, कंट्रोलर तो राम जी के पास रिमोट है और कब दबा दे और तुम्हारा काम खत्म हो जाए, इसको नहीं समझते हो। ये लूट घसोट सिकंदर कुछ नहीं उखाड़ पाया, मुगलों से हमारी लड़ाई हुई, अंग्रेजों से हमारी लड़ाई हुई, बीच में एक कांग्रेस सरकार भी रही, वो भी 75 साल राज किया। तो क्या हुआ, अब मोदी सरकार आ गई है, अब मोदी सरकार भी कुछ दिन चले, इसको भी देखो जरा, हैं क्या दिक्कत क्या है। अभी तो 8-9 साल हुए हैं, अभी कुछ दिन और देख लो, अगर सही काम करेंगे आगे चलाओगे, नहीं तो इसको भी खत्म करोगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़े। लेकिन जब सही चल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो है अभी देखते रहो, लीडिंग करते रहो। और मोदी सरकार ने तो हर गरीब के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए राशन फ्री कर रखा है। हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं बना आज तक, हमने बनवाया ही नहीं, लेकिन लोगों का तो राशन कार्ड बना हुआ है, सारी सुविधाएं ले रहे हैं। हमने तो कोई स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सर्टिफिकेट तक नहीं बनवाया, हाँ तो हमने किसी बनवाया ही नहीं। हमने कहा कि आज भी हमारा वो है कि जो हमारे पिताजी का भी कहना था कि हर गरीब को जो भी सुविधा, गरीब की जो भी सुविधाएं हैं वो गरीब प्राप्त करे। हमारे पिताजी टीचर थे, उन्होंने कहा था एक बार प्रौढ़ शिक्षा का आया था कार्यक्रम, उन्होंने कहा प्रौढ़ शिक्षा सब बेकार है, उनको लालटेन मिली, किताबें मिली, हम कहीं इसको हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे, रिटायर हो गए तब, कहीं इसमें तो वही लूट मार का धंधा, कोई बुढ़वा आएगा नहीं पढ़ने, वो बिना मतलब हमको पैसा मिलेगा, हमको इतना कुछ पेंशन मिल रही है, बुढ़वा का पैसा हड़प नहीं करेंगे। तो हमारे खून में जहाँ ये राय बरेली की धरती रत्न गर्भा कही जाती है, तो ज्यादा नहीं हम 2 मिनट में बताना चाहेंगे कि यह ऐसी धरती है जहाँ राणा बेली माधव, श्याम साधु, पंडित मदन मोहन मिश्रा, बीरा पासी और लाल चंद्र स्वर्णकार जैसी महान विभूतियां पैदा हुई। नहीं, एक मिनट, मैं ये कहना चाहूँगा कि राणा बेनी माधव के साथ साथ रायबरेली के छत्री जत्ते सेनानी परिवार के हैं, उनका भी हमें बड़ा आशीर्वाद देना चाहिए। भाई राणा बेनी माधव जी ने तो किया, लेकिन उस काम को बढ़ाया किसने, काम को बढ़ाया आप लोगों ने, हमारे गोविंद सिंह जी के जो अमर शहीद हो गए, सिंगर साहब के हो गए, बेटा कला वाले हो गए, जितने लोग हो गए, इसमें जो है ठाकुर दल बहादुर सिंह जी आते हैं, पंडित अमोल शर्मा भी आते हैं, दादा गजाधर सिंह भी आते हैं, पंडित माधव प्रसाद मिश्रा भी आते हैं, शीतला शंकर शर्मा भी आते हैं, मुंशी सत्यनारायण जी आते हैं, मुंशी चंडिका प्रसाद आते हैं, रमाकांत पांडे आते हैं, संत बकत सिंह भी आते हैं, इंद्राजा सिंह, राणा बेनी माधव सिंह के अंगरक्षक लाल चंद स्वर्णकार भी आते हैं, बीरा पासी भी आती है। मैं ऐसी धरती को सशक्त नमन करते कहता हूँ कि राय बरेली की धरती का ऊंचा बड़ा मकाम है, राय बरेली की धरती का ऊंचा बड़ा मकाम है, जहाँ शहीदों की दमखम से ब्रिटिश हुआ नाकाम है, ब्रिटिश हुआ नाकाम है, वो है राय बरेली की धरती। और जो एक ये भी समझने की बात है कि जो हिंद वतन के वास्ते, अरे जान देने की तैयारियों में था, जो हिंद वतन के वास्ते जा देनियों की तैयारियों में था, गजब का जज भाई जौहर उसकी अदाकारियों में था, अरे तोप और तलवार के सामने भी जय हिंद लबों पे रहा, ऐसा लहू हमारी अदाकारियों में था, ऐसा लहू हमारी वफादारियों में था। यह है हिंदुस्तान राय बरेली जिले की धरती का इतिहास। एक मिनट हम भी बोल रहे क्योंकि सो भी रहे, थोड़ा खत्म करेंगे। तो देखिए, क्षत्रियों का राम जी का जो धर्म था जी, वो राम राज है, और ये सरकार भी राम राज लाना चाहती है, बिल्कुल ठीक है नहीं। अच्छा, राम के वंश का एक फार्मूला है, उनका एक कहना है कि जो है
अधिकार खो के बैठे रहना ये बहुत बड़ा निष्कर्म है। अधिकार हम लोग खो चुके हैं। मुगलों के शासन था, तमाम मंदिरें गिराए गई, सब कुछ। अभी मंदिर देखो राम का बन रहा नहीं बन रहा, तो तमाम मंदिर वगैरह गिरे ही नहीं गिरे, तो अधिकार तो हमारा खो गया था ना। तो इसी के लिए कहा गया छत्तीस धर्म में कि अधिकार खो के बैठे रहना ये बड़ा निष्कर्म है, और न्याय के प्रति अपने भाई को भी दंड देना हमारा धर्म है। अगर हमारा भाई भी अगर अन्याय कर रहा है, और कई राजाओं ने ऐसा किया भी, दिखाया भी है किया। अबे राजा हरिश्चंद्र होलंकर आप देखिए ईमानदारी का क्या था, तो इतिहास उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा लोगों का एक कहना है राम जी के वंशजों का कि अधिकार खो के बैठे रहना ये बहुत बड़ा निष्कर्म है। अगर न्याय के प्रति किसी अपने भाई को भी दंड देना पड़े तो ये बड़ा न्यायप्रिय होगा। इसीलिए न्याय के प्रति अपने भाई को भी दंड देना हो तो उनको दंड देने में उनको संकोच रहते हैं, वो करते रहते हैं, देखा ही आपने। तो अब वाणी को विराम दिया, विराम करते साधु थोड़ा बोल दीजिए। ठीक है, तो जय श्री राम का। यहाँ शंकर जी का मंदिर आप देख रहे हैं, हनुमान जी भी अंदर विराज रहे हैं, तो ठीक है। उधर घुमा दीजिए बाबा जी। हाँ, ये बाबा जी की कुटिया है, बाबा जी सामने आपको देख रहे होंगे कुटिया में। ठीक है, जय श्री राम का, जय श्री राम का, जय श्री राम का।